एंड बुरी तरह बना रहे थे और सारे क्षेत्र का ये मत था कि जिसने इस पार्टी को बढ़ाया, जिसने इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया, उसका टिकट काटकर पार्टी ने बहुत गलत काम किया। मैं भी कहना चाहती हूँ, मैंने इस पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। मैं जिला प्रमुख जब बनी थी तो मैं कांग्रेस की टिकट पर बनी थी और इंडिपेंडेंट जिला प्रमुख। उस समय पार्टी ने मुझसे कहा था कि पार्टी आपका ख्याल रखेगी, आप पार्टी में आइए। और मैं ये भी नहीं कह सकती कि पार्टी ने ख्याल रखा, पार्टी ने दिया। लेकिन अभी 2 महीने पहले मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिली और मैंने उनसे कहा कि भाई साहब बताइए मुझे चुनाव आप लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे। अगर नहीं भी लड़ाना है तो भाई साहब मैं बहुत अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे आज कह दो ताकि मेरे कार्यकर्ताओं को और हमको उस समय दुख नहीं। तो मुझे उन्होंने कहा कि जिस पेड़ को मैंने लगाया है, जिस पौधे को हमने लगाया है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, वो आपका टिकट। जनता से कहना चाहती हूँ कि जनता जो कहेगी वो मैं करूँगी। मेरी जनता ने आज मुझे कहा है, सबने इकट्ठा होके, कि आपको चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ूंगी। कहते ना कि किंचित में नहीं भयभीत, हार में या जीत जो भी मिलेगा इस पद पर, संघर्ष के पद पर मैं चलती रहूंगी। मैं भी कहना चाहती हूँ कि आप भी परिवार वाले आदमी हैं, सबसे पहले आदमी का परिवार और उसका काम और उसके लोग, मुझे इन्हीं के साथ जीना है, इन्हीं के साथ मरना है। मैं इनकी बात का अक्षर से पालन करूंगी। पार्टी को मैंने परसों उनका फोन आया था, मैंने पार्टी को बता दिया कि मैं अब उस बंधन से आपके से निकल चुकी हूँ, क्योंकि आपने मुझे धोखे में रखा। मुझसे झूठ नहीं बोलते ना तो भी बोलता। और आज मैं आप सबके सामने भी कहना चाह रही हूँ, मैं मेरे परिवार के बंधन में आ चुकी हूँ। मेरा परिवार मुझे चुनाव लड़ाएगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा।